नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर बाराबंकी से है। रिपब्लिक भारत टीवी के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। राम सनेही घाट महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक भारत टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ राम सनेही घाट में पत्रकारों द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार तपन मिश्रा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष दिवाकर बाबा व वरिष्ठ पत्रकार अमर बहादुर सिंह, भक्तिमान पांडे, प्रभाकर तिवारी, सूरज सिंह की अध्यक्षता में पत्रकारों ने आज कार्यालय से तहसील परिसर तक पैदल मोर्चा निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए महामहिम राष्ट्रपति से अर्णब गोस्वामी के साथ हो रहे अन्याय की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। इस दौरान पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, पत्रकारों ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को पत्रकारिता के लिए काला दिवस बताया। इस मौके पर पत्रकार अनिल कनौजिया, डीके गोस्वामी, विनय पांडे, भक्तिमान पांडे, आशीष सिंह, सूरज सिंह, पंकज शुक्ला, जितेंद्र सिंह, अन्नू दिलीप कश्यप, विकास पाठक, प्रभाकर तिवारी, दीपांशु सिंह, शशांक सिंह, कमल मिश्रा, शिवम सिंह, हिमांशु तिवारी, गोलू ब्रिजमोहन पाल, राहुल द्विवेदी, सूरज कुमार, अमर सिंह राणा, दीपक वर्मा, करण कुमार, अमित कुमार, लोकुश यादव आदि पत्रकार साथी मौजूद रहे। मध्यांचल ब्यूरो रामप्रसाद शुक्ला के साथ विकास तिवारी की रिपोर्ट। आज आप लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने का विचार बनाए हुए, क्या मामला है पूरी जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक चैनल के एडिटर और पत्रकार अर्णव गोस्वामी को एक पुराने केस के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। ना तो नोटिस दी गई, ना उनको पूछताछ का समय दिया गया और उसी केस पर पुलिस द्वारा पूर्व में बंद कर दिया गया था और फिर उस केस को ओपन किया गया है। ठीक है, तो ये वहां की पुलिस और सरकार बदले की भावना से प्रेस की आजादी पर उठाकर बात कर रही है और इसके विरोध में हम सब यहां उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं, उनकी रिहाई की जाए। क्या क्या मांगे हैं? उनकी रिहाई की जाए और उनके जो आरोप लगाए गए हैं फर्जी, उन पर सीबीसीआईजी से जांच कराई जाए और जो देश में पत्रकारों पर जगह जगह हमला और कुठारघात होता है उस पर लगाम लगाया जाए और एक प्रेस की आजादी पर जो एक दमन नीति कार्य कर रहा है वो समाज के सभी वर्गों का, अगर उनके साथ ऐसा होता रहेगा तो आम जन की आवाज वो पत्रकार कैसे उठा पाएगा। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो अपनी बात वो रख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। तो प्रेस की आजादी का मतलब क्या रहेगा? है कहने का चौथा स्तंभ है, परंतु उसकी आजादी को इसी तरह से अगर वो होता रहा, दमनकारी कार्य होता रहा, तो आवाज कैसे उठा पाएंगे, सत्य बात कैसे कहेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, पैदल मार्च भी कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, महाराष्ट्र में रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ श्री अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ, वो सिर्फ अर्णब गोस्वामी के साथ नहीं हुआ बल्कि हमारे देश के उन सभी पत्रकारों के साथ लगातार हो रहा है। अर्णब गोस्वामी को जिस तरह से उन्हें बेइज्जत करके उनके घर से ले जाया गया, उनको न सिर्फ पीटा गया, उनके बच्चों को पीटा गया और उनकी पत्नी को भी पीटा गया और उसके बाद उनको एक ऐसे वाहन में ले जाया गया जो आम आदमी की तरह होती। अगर अर्णब गोस्वामी ये बात पहले से न चला रहे होते तो आज जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया उनकी हत्या करने की पूरी साजिश थी। असलहों के बल पर उनके घर सुबह सुबह 6:15 बजे लोग जब सुबह अपने नित्य कार्य के लिए निकलते हैं उस समय महाराष्ट्र पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। ये कहां का न्याय है? एक नियंत्रित पत्रकार अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करके कौन सी बहादुरी दिखाई है आपने? इससे हमारे ही कलम से आप लोगों की सरकारें चलती हैं, हम जनता की दबी कुचली बातें आप तक पहुंचाते हैं और आज आप हम ही लोगों को दबाने में जुटे। ये एक पत्रकार के साथ नहीं, देश के हर उन पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा आघात है और आज हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए चाहे जो सरकार हो
उससे अपने लिए कानून, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग होनी चाहिए। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है।